आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके फंस गई कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना कांग्रेस को पड़ेगा भारी। क्या राहुल गांधी का एक बड़ा फैसला हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कर देगा धराशाही? क्या हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में हो गया है दो फाड़? हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने छोड़ी मीटिंग। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में हो गई है बड़ी फाइट। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाएं टटोलने के लिए कहा था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बातचीत भी शुरू हो गई, नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, लेकिन दोनों दलों के बीच गठबंधन का ऐलान अब तक नहीं हो सका। राहुल गांधी के बयान के बाद जिस तेजी से दोनों दलों ने दीपेंद्र हुड्डा और राघव चड्ढा को सीट शेयरिंग की जिम्मेदारी सौंपी, माना जा रहा था कि एक दो दिन में ही ऐलान हो जाएगा। अब सवाल है कि जब दोनों ही पार्टियां इतनी गंभीर हैं तो फिर पेच कहां फंस रहा है? क्यों गठबंधन पर ऐलान में देरी हो रही है? और इसे अगर मैं बात करें तो तीन पॉइंट से समझिएगा। आम आदमी पार्टी की डिमांड क्या है? कांग्रेस ने हालिया लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ा था। कांग्रेस ने सूबे की 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और एक सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई थी। कुरुक्षेत्र हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और एक लोकसभा क्षेत्र में औसतन 9 विधानसभा सीटें आती हैं। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के 9-1 वाले फॉर्मूले से ही सीट शेयरिंग चाहती है। 10% के इस फॉर्मूले के आधार पर आम आदमी पार्टी 9 विधानसभा सीटों पर मांग कर रही है। 9 सीटें देने की तैयार नहीं है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी, और ऐसे में यहां पर जो बात फंस रहा है वो सीटों को लेकर फंस रहा है। इन सब के बीच में एक बड़ी खबर सामने आई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कई बड़े कांग्रेस के नेताओं ने एक मीटिंग को छोड़ दिया क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना ठीक नहीं है और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके कांग्रेस को बड़ा झटका हरियाणा में लगेगा। अब क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ देगी या वाकई अब बहुत बड़ा झटका कांग्रेस में होगा? और क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अगर बात करें बीजेपी के और बात करें कांग्रेस पार्टी के कई बड़े बड़े नेता, क्या अब कांग्रेस का साथ छोड़ देते हैं तो हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा होगा?